के विभिन्न भाग के बारे में, जो कि है सबसे मुख्य भाग है क्या चीज है अर्थात बाद अंकुश, करोला अर्थात दलकुंज, एंड्रोशियम अर्थात ग्रैनोशियम अर्थात इन चार के बारे में और डिटेल में जानते हुए सबसे पहले देखते हैं ये पुष्प के भाग। ठीक है, पुष्प के भाग में ये चीज क्या चीज है आपका स्टेम, स्टेम जिसको हम क्या बोलते हैं तना बोलते हैं। ठीक है, ये तो सभी को पता है ये क्या चीज है पत्तियां। ठीक है, और इसमें पत्तियां में देखेंगे ये छोटी से पुष्प का भाग। ठीक है, और पुष्प के बारे में बताया जाए कि पुष्प के जो बाहरी भाग में दिखाई दे रहा है आपको ये छोटी छोटी संरचना जो बनी हुई है इसको बोला जाता है बाह्य परिदल। क्या बोलते हैं? बाह्य परिदल बोला जाता है। और उसके बाद ये ग्रीन वाला दिख रहा है ऊपर, ठीक है, इसको बोला जाता है बाह्य दर्पण। क्या बोला जाता है इसको? ये वाला भाग उसके अंदर में कलरफुल रहता है जो कि इसमें दिखाई देगा आपको। दूसरा वाला पुष्प ये है रंगीन भाग है इसके, जिसको बोला जाता है दर्पण। अब इस दर्पण के अंदर में क्या चीज रहता है? एंड्रोशिया और गायनोशिया। वो हमें इस पुष्प में दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि इस पुष्प में क्या हुआ है ढका हुआ। तो इसको ढकने का काम कौन करता है आपको? थैलेमस। ये सभी की संरचना को कौन ढक के रखा रहता है? थैलेमस, जो कि इसके बाहरी भाग जो कि थैलेनुमा संरचना होती है जो कि पुष्पों के क्या करते हैं जनन के लिए सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो हम अगला में देखते हैं ये पुष्प, ये क्या चीज है? उसकी स्टेम भाग है। ठीक है, ये वाला भाग जो है बाहर परिदल कुंड बोला जाता है और ग्रीन वाला जो है बाहर दल ग्रीन को बाहर। इसकी संख्या 5 होगी।